दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें या तो शहरों के शहर पानी में समा गए या फिर सोने चांदी से भरे जहाज पानी में डूब गए। ये घटनाएं सुनकर हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। कल्पना करिए कि आप किसी जहाज या गांव शहर को देख रहे हैं और वो अचानक ही पानी में समा जाए। वास्तव में सोचकर भी अजीब लगता है। दोस्तों, संबंधित ही ऐसी घटनाओं से जुड़ी कुछ खबरें दिखने वाली हैं, जिनके वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कोलंबिया और बहामास की, जिनके समुद्र में इतना बड़ा खजाना हाथ लगा है जिससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। ये बड़े खजाने उन्हें समुद्र में मिले हैं और बताया जाता है कि ये ट्रेजर दुनिया के लिए एक बड़ा रहस्य बने हुए थे, लेकिन इनकी कहानियां ही अब तक सामने आ रही थी, लेकिन ये खजाने मिल नहीं रहे थे। पूरी दुनिया इन्हें खोज रही थी। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं के बाद हम आपको भारत के उस एक बड़े शहर के बारे में बताएंगे जो अचानक ही पानी में समा गया था, जो भी समुद्र में दिख रहा है। दोस्तों, हम भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी की बात नहीं कर रहे, बल्कि भारत का एक और शहर है जो समुद्र में समा गया था। ये हम आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। समुद्र में कोलंबिया को मिला सोने का खोया हुआ खजाना। जहाज पर लदा था 17 अरब डॉलर का खजाना। 300 साल बाद मिला जहाज, खजाने का वीडियो आया सामने। दोस्तों, कोलंबिया की नेवी को पानी के नीचे डूबे एक जहाज में खजाना मिला है। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। ये दुनिया के सबसे मूल्यवान खजाने में से एक है। ये जहाज कोलंबिया के तट से दूर समुद्र तल पर डूबा मिला है। ये जहाज सैन जोस गैलियन के नाम से जाना जाता है। इस जहाज पर कोलंबियाई नौसेना ने खजाना खोजा है। एक अनुमान के मुताबिक इस पर लगभग 17 अरब डॉलर की कीमत का सोना, चांदी और ज्वेलरी थी। इतने बड़े खजाने को लेकर यह जहाज 1708 में डूब गया था और अब लगभग 300 साल बाद इसका मलबा खोजा जा सका है। एक रोबोट के जरिए पानी के नीचे इस जहाज को खोजा जा सका है। हालांकि इसकी सही लोकेशन अभी गुप्त रखी गई है, क्योंकि कई देश हैं जो इतने बड़े खजाने पर गिद्ध की नजरें जमाए हुए हैं। दोस्तों, ये जहाज कभी स्पेन की नौसेना का मुकुट कहा जाता था। 1708 में इसे ब्रिटिश नौसेना ने उड़ा दिया था। इस जहाज पर 64 तोप थी। इन तोपों के इस्तेमाल का बारूद भी आया था। लड़ाई के दौरान इस बारूद में आग लग गई। धमाके के बाद ये जहाज डूब गया। इसमें 600 चालक दल सवार थे जो साथ में डूब गए, लेकिन जहाज के साथ समुद्र में सोना, चांदी और पन्ने के भी ढेर कहीं खो गए। माना जाता है कि खजाना आज की कीमत पर 17 अरब डॉलर के बराबर का है। यही वजह थी कि इसे खोजने का काम किया जा रहा था। इस जहाज पर कांसे के बंदूकों के साथ डॉल्फिन को उकेरा गया था, जिसे देखकर इसकी पहचान की गई। कोलंबिया सरकार ने 2 साल बाद इस खजाने को फिर से प्राप्त करने के लिए खोज अभियान की घोषणा की थी, जिसके बाद रोबोट की मदद से दुनिया को पहली बार पानी के नीचे चमकदार कीमती खजाने की झलक मिली। रिमोट के जरिए कोलंबियाई नौसेना 3100 फीट की गहराई तक गई। इसकी तस्वीरें जब सामने आई तो दुनिया हैरान रह गई। जहाज में बिखरे हुए सोने के टुकड़े, तोप और चीनी मिट्टी के कप दिखे। इस जहाज पर कांसे की तोपें, तलवारें और मिट्टी के बर्तन भी समुद्र तल पर दिखे। कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति इवान ड्यूक ने कहा था, हम इस खजाने को वापस पाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेन ने दक्षिण अमेरिका में उपनिवेश के जरिए कम से कम 200 टन सोना, चांदी और जवाहरात राजा फिलिप पांचवे को भेजा था ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को लड़ सके, लेकिन जहाज बीच में ही डूब गया। 1956 में डूबा जहाज फिर से मिला। बेशकीमती हीरे जवाहरातों से लदा हुआ था जहाज। दोस्तों, ऐसा ही एक और जहाज मिला है और इसको लेकर बड़ी उपलब्धि भी हाथ लगी है। ये जहाज भी स्पेन का बताया जा रहा है। स्पेन का ये दूसरा जहाज 656 में डूब गया था। स्पेन का ये जहाज डूबते हुए खजाने से लदा था। बेशकीमती हीरे जवाहरात सहित आभूषणों का ये खजाना अब 350 साल बाद मिला है। इसको लेकर ट्वीट भी किया गया है। ये जहाज 1656 में लिटिल बहामास बैंक के पश्चिमी छोर पर डूब गया था। अब 350 साल बाद इस जहाज का मलबा 13 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ मिला। बहामास सरकार द्वारा एलन एक्सप्लोरेशन को डूबे हुए जहाज का मलबा ढूंढने के लिए लाइसेंस दिए जाने के बाद बहामास और अमेरिका के समुद्री पुरातत्वविद और गोताखोर
अपने काम पर लग गए और अब इनकी कोशिशों के बाद इस जहाज का मलबा खोजा गया है। इस जहाज के मलबे में गोल्ड फिलिग्री चेन, क्रॉस ऑफ सेंटियागो से जड़ा सोने का पेंडेंट, इंडियन बेजोर स्टोन और ओवल एमराल्ड जैसे बेशकीमती आभूषण बरामद किए गए हैं। रेक वॉच पत्रिका के संपादक और ब्रिटेन के समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर सॉन किंग्सले ने इस खोज अभियान के संबंध में बताया कि 350 साल बाद जहाज का मलबा मिलना चमत्कार की तरह है और इस तरह के चमत्कार कभी भी हो सकते हैं। ये एक सफल पुरातात्विक अभियान रहा। 13वीं शताब्दी की वर्जिन मैरी की मूर्ति के नाम पर इस जहाज का नामकरण हुआ था। ये अमेरिका से स्पेन जा रहा था। उस वक्त इसमें खजाना भरा हुआ था। 4 जनवरी 1656 की आधी रात को नेविगेशन में गड़बड़ी के बाद ये जहाज चट्टान से टकरा गया और फिर डूब गया। इस दुर्घटना के बाद जहाज में सवार 650 लोगों में से सिर्फ 45 लोग ही जिंदा बच सके। जिंदा बचे कई लोगों को शार्क ने खा लिया। अब जाकर इसका मलबा मिला है। भारत का एक शहर समा गया पानी में। 9503 साल पहले क्या हुआ था भारत में? दोस्तों, भारत से सटे समंदर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। समंदर के नीचे आज भी ऐसी कई साइट्स दबी हुई हैं, जिनके बारे में किसी को नहीं पता। कुछ वर्षों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई थी जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान था। हम बात कर रहे हैं खंभात की खाड़ी के खोए हुए शहर की। भारत का एक और शहर पानी में समा गया था और ये घटना हुई थी 9500 साल पहले। इस डूबे हुए शहर का पता लगा था 2002 में, जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञों ने इसे खोज निकाला था, जो 9500 साल पहले दफन हो गया था। गुजरात तट के नजदीक मानव जाति के अवशेष और वास्तुकला से समृद्ध ये शहर अपने आप में कई राज समाये हैं। बाद में इस खोज पर विवाद भी हुआ। इसे खंभात का खोया हुआ शहर कहते हैं, जो 17 साल पहले भारत की खंभात की खाड़ी में मिला था। हालांकि ये अभी भी रहस्य ही है कि ये आखिर डूबा कैसे। द्वारिका जैसी भव्य नगरी भी पानी के अंदर है मौजूद। डूबने के कारण का अभी तक भी नहीं लग पाया पता। ऐसे ही आपने द्वारिका के बारे में भी सुना होगा, जो पानी के अंदर मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। इस शहर को 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी का एक्सटेंशन डेक्कन कॉलेज, पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। जैन सूत्र अंतकृत दशांग में द्वारका के 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े विस्तार का उल्लेख है और इसे कुबेर द्वारा निर्मित बताया गया है। और इसके वैभव और सौंदर्य के कारण इसकी तुलना अलका से की गई है। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी थे। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झील भी थी। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया।